उत्तराखंड में G20 समिट के तहत दूसरी बैठक का आयोजन नरेंद्र नगर टिहरी जिले में शुरू हो गया है। 25 से 27 मई तक होने वाली इस बैठक का मुख्य एजेंडा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों को एकजुट करके भ्रष्टाचार पर प्रहार करना है और इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पब्लिक को जोड़ना है। प्रयास इस बात का है कि भ्रष्टाचार करके जो गलत तत्व हैं, गलत शक्तियां हैं या देश विरोधी ताकतें हैं, उनको भी हराना है। दो दिवसीय इस बैठक में निकलने वाले मंथन का जो उत्तर होगा उसको पूरा विश्व देखेगा और इसके बाद इस पर एक बड़ा एजेंडा तैयार होगा। उत्तराखंड में G20 समिट के तहत दूसरी बैठक का आयोजन नरेंद्र नगर टिहरी जिले में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जनपद के DM और SP को आदेश दिया है कि लोगों के बीच जाकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संवाद स्थापित करें। हरदोई जनपद के SP राजेश द्विवेदी सड़कों पर उतरे और फ्लैग मार्च किया, लोगों को सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा भी दिलाया। यही नहीं, उन्होंने लोगों से संवाद स्थापित किया, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों से बातचीत की, हरदोई में घट रही घटनाओं के बारे में जानकारी ली, वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों से। खेलो इंडिया खेलों के तहत गोरखपुर में रोइंग खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जा रहा है। खासतौर से जो बाहर से उस खेल में शामिल होने वाले खिलाड़ी गोरखपुर पहुँच रहे हैं, उनका गोरखपुर जिला प्रशासन द्वारा रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया जा रहा है। 27 तारीख को गोरखपुर जिले के रामगढ़ ताल झील में यह प्रतियोगिता होनी है और खास तौर से प्रतियोगिता की तैयारी पूरी कर ली गई है। आने वाले खिलाड़ियों का स्वागत जिला प्रशासन बड़ी मुस्तैदी के साथ कर रहा है और खास तौर से जो खिलाड़ी आ रहे हैं अपने प्रशिक्षण का कार्य आज से शुरू करेंगे और 27 तारीख को उनका कार्यक्रम गोरखपुर के रामगढ़ ताल झील में किया जाएगा, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। गोंडा के मौलाना अबुल कलाम ला कॉलेज में एक छात्र की जमकर पिटाई की गई थी। पिटाई 17 तारीख को की गई थी। 17 तारीख से पीड़िता की मां अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रही है। 17 तारीख से अब तक 9 दिन बीत गए हैं और इस पूरे मामले पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़िता का आरोप है कि उसको वो सभी अधिकारियों से मिल रही है लेकिन उसे जाँच का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण में जॉलॉजी का पेपर देने गया था छात्र ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्र का कहना था कि एग्ज़ाम में जो है जो छात्र हैं उन छात्रों से अवैध वसूली की गई थी, नकल के लिए पैसे लिए गए थे और इस उबैद से भी जो है नकल के लिए 20,000 रुपये की मांग की जा रही थी, जिसको न दे पाने की वजह से छात्र को परेशान किया जा रहा था। 17 तारीख की घटना बताई जा रही है और 17 तारीख को छात्र जब यहाँ पे एग्ज़ाम देने गया था तो वहाँ पे शिक्षकों ने इसको छात्र को पकड़ कर जो है चार शिक्षकों ने बुरी तरीके से छात्र की पिटाई कर दी। पिटाई के बाद पीड़िता की माँ जो है दर दर भटक रही है अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन इस पूरे प्रकरण पर अब तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाथरस से सदर विधायक अंजिला सिंह माहौर के खिलाफ न्यायालय में एक परिवारवाद दायर किया गया है, जिसमें 26 मई सुनवाई के लिए नियत की गई है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव ने हाथरस की विशेष MP MLA न्यायालय में एक परिवारवाद दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया है कि सदर विधायक अंजिला सिंह माहौर ने जाति छुपाकर चुनाव लड़ा है, जिसमें न्यायालय ने 26 तारीख सुनवाई की है। अब देखना होगा कि अंजिला सिंह माहौर के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और जो उन पर आरोप लगाए गए हैं वो कितने सही हैं या कितने गलत। लेकिन फिलहाल उनके
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में प्रशासन ने आज आक्रमणकारियों के विरुद्ध अभियान चला करके कार्रवाई की है। प्रशासन ने अवैध रूप में से जो कब्जा किए हुए व्यापारी को पहले ही नोटिस दे करके चेतावनी दी थी और इस जिसके लिए प्रशासन ने बाकायदा मुनादी भी कराई थी और अतिक्रमण वाले सभी स्थानों पर लाल पेंट से चिन्हित किया गया था, लेकिन उसके इसके बावजूद भी अतिक्रमणकारियों द्वारा चिन्हित स्थानों को खाली न करने पर प्रशासन ने आज बुलडोजर चलवा करके अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है और दुकानों को ध्वस्त कर कब्जे किए गए स्थानों को अतिक्रमण द्वारा हटाया गया है। वहीं व्यापारियों का आरोप है कि उनकी पालिका प्रशासन से मीटिंग हुई थी जिसमें यह तय हुआ था कि जिन व्यापारियों ने अतिक्रमण किया हुआ है उनकी जानकारी दी जाए और उन्हें मंडल के जो व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात की जाए और अतिक्रमण हटवाए जाने को लेकर के प्रशासन ने बिना किसी जानकारी व समय के दिए बगैर ही बुलडोजर चलवा दिया जिससे व्यापारियों को काफ़ी रुपयों का नुकसान भी हुआ है। उत्तर प्रदेश हादसा जिले के सिकंदराव में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया था जहां स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से एक सड़क दुर्घटना में मृत युवक को सबको जमीन पर रख दिया गया था। इस खबर को चलने के बाद जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया और उन्होंने तत्काल सीएमओ से 3 दिन में जवाब मांगा और कार्रवाई करने के आदेश दिए उस पर, हादसा स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और उसने तत्काल एक संविदा कर्मी की संविदा समाप्त की है और 2 का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। तो कहीं ना कहीं हाथरस जिले में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। अगर स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी संज्ञान न लें तो उनकी लापरवाही आए दिन और उजागर होती रहती है। कहीं ना कहीं जब स्वास्थ्य विभाग के महकमे में डिप्टी सीएम ने संज्ञान लिया तो हाथरस के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया और इस मामले में अब देखना होगा कि संविदा समाप्त होने के बाद 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है तो आगे इसमें क्या कार्रवाई और होती है। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी आरके विश्वकर्मा कानपुर समीक्षा बैठक ले पहुंचे। उन्होंने कानपुर के पुलिसकर्मियों के साथ समीक्षा बैठक की, अपराध को लेकर के जो दिशा निर्देश थे वो दिए। इसके साथ ही डीजीपी ने साफ तौर बताया कि अपराध नियंत्रण को लेकर के ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के साइबर क्राइम को लेकर के इन सभी मुद्दों पर उन्होंने साफ तौर बताया कि जो भी मुकदमे हैं वो तत्काल दर्ज किए जाए और इन सब मुकदमों में जो भी तेज पैरवी करके अपराधियों को सजा दिलाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने पुलिसिंग की कार्रवाई के लिए बेहतर सुविधा के लिए साफ तौर बताया दिशा निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा है कि महिला पुलिसकर्मियों पर ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है जिससे कि जो भी महिला जुड़े अपराध हैं उन पर तेजी आ सके और जो पीड़ित महिला है उसको न्याय दिलाया जा सके। साथ ही डीजीपी ने बताया कि जो अन्य कानपुर जो व्यवस्था है जो भी गड़बड़ है उसको ठीक करने के लिए पुलिस के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं जिससे कि कानपुर में जो अपराध है जो बढ़ रहा है तो उसको रोकने का प्रयास किया जाए। फिलहाल जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको भी उन्होंने बेहतर बताया कि कानपुर में ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर है। साथ ही डीजीपी ने बताया कि समय समय इस तरह की समीक्षा बैठक की जाती रहेंगी और पुलिस को बेहतर करने का जो प्रयास है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उसको भी सफल बनाया जाए। अगर अधिकारी के संज्ञान दिए हुए और किलर छुट्टी चलाए जाते हैं कैसे चले जाते हैं ये तो बहुत ही बड़ा सवाल है। वीडियो साहब से जब बात हुई वीडियो साहब कहने को तैयार हैं कि मैंने छुट्टी नहीं दी, मुझे संज्ञान में नहीं। वीडियो का जो चार्ज संभाल रहे हैं जब उनसे बात हुई वो कह रहे हैं कि मुझे संज्ञान नहीं, छुट्टी कैसे चली गई। मोहिनी वर्मा नाम है इनका। जब जो है बाबू से पूछा गया कि छुट्टी कितने दिन की है, वहाँ सेंसन छुट्टी नहीं है, कितने दिन की छुट्टी है। अगर कुछ खेल कराना है तो क्लर्क से मिलिए, उन्हें जो है अपने उसमें करिए कब्जे में और जो है छुट्टी पकड़ छुट्टी लिए अधिकारी के और छुट्टी चली जाएंगी, आपका काम हो जाएगा। अगर मिलना है तो आके ब्लॉक में आइए उजानी पे। इतना बड़ा खेल चल रहा है, आज जब न्यूज बंदिया की टीम यहाँ पर पूछी जब उसकी जानकारी ली तो पता चला कि अधिकारी ने छुट्टी नहीं दी और मोहिनी वर्मा छुट्टी पे चली गई। 3 दिन की छुट्टी बताई जा रही है, अभी कन्फर्म नहीं है छुट्टी कितने दिन की है। सोमवार से गायब है, जैसे शनिवार को बताते हैं लेकिन कुछ लोग बता रहे देखा नहीं गया, कुछ बताते देखा गया। यहाँ पर बगैर उसके संज्ञान को सिर्फ दे के बगैर अधिकारी के अगर जो है छुट्टी चले जाए तो अधिकारी का क्या महत्व रहेगा। पीलीभीत में पीलीभीत बीसलपुर हाईवे जो कि निर्माण कार्य हो रहा है, चौड़ाकरण हो रहा है, जिसके चलते व्यापार मंडल जो बरखेड़ा का है वो धरने पर बैठ गया। उनका कहना है कि हमारे साथ भेदभाव किया जाता है,
हालांकि दो दिन पहले ही उन्होंने डीएम को ज्ञापन सौंपा था और उसमें कहा था कि बरखेड़ा और बीसलपुर के लोगों के साथ, बरखेड़ा के लोगों के साथ जो है सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। वहीं चौड़ेकरण की अगर बात करें कि नाला बनाया जा रहा है तो वहीं बरखेड़ा में काफी हद तक जगह छोड़ी जा रही है, व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है और वहीं बीसलपुर में कम से कम जगह में काम चलाने की बात की जा रही है। तो इस तरह से वहाँ जो व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा, जो अशोक गुप्ता है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर सौतेला व्यवहार हो रहा है और हम इसीलिए धरने पर बैठे हैं। यदि मेरी सुनवाई नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन तक लगातार धरना चलता रहेगा जब तक मेरी बात को उच्च अधिकारी नहीं सुनेंगे। तो इस तरह से जनपद पीलीभीत में जो बीसलपुर से और पीलीभीत का जो हाईवे है जो चौड़ा हो रहा है इस वक्त, जहां लोगों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं होंगी, यातायात बेहतर होगा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सौतेला व्यवहार की बात कही है कि बरखेड़ा में अधिक जगह छोड़ी जा रही है और बीसलपुर में कम जगह छोड़कर काम चलाया जा रहा है। आगरा खैरागढ़ ब्लॉक में ग्राम पंचायत खानपुर में मार्च के महीने में जहाँ विकास कार्य और सीसी खरंजा कराया जाना था, जहाँ 5,61,000 रुपये ब्लॉक के माध्यम से विकास खंड अधिकारी और सेक्रेटरी और प्रधान की मिलीभगत से निकाले गए, जिसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की नींव लगी हुई है और अन्य चाहे तमाम ग्राम पंचायत जिनमें लाखों रुपए और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। यही ग्राम पंचायत खैरागढ़ के आपके खानपुर में मैं खड़ा हुआ हूँ, जहाँ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात करती हैं, जब भ्रष्टाचार की नींव चढ़ गया, ये भेंट चढ़ गया, जो रास्ता है मैं अपने सहयोगी से कहूँगा इस रास्ते को दिखाएं, जिसके नाम पर मार्च के महीने में पैसा निकाल लिया गया और ब्लॉक के अधिकारी और बीडीओ और प्रधान की मिलीभगत से यहाँ बड़ा घोटाला हुआ है, जहाँ घोटाला को दबाने के लिए कोई भी अधिकारी कुछ बताने को तैयार नहीं है। यहाँ तक के ग्राम प्रधान का भी कहना है कि मुझे इस मामले का संज्ञान नहीं है और ब्लॉक के चाहे बीडीओ हो चाहे वो नरेगा का अधिकारी हो, इन लोगों को संज्ञान है, यहाँ पूरा सारा पैसा निकाल लिया गया। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है इसमें। आखिरकार जिला अधिकारी महोदय और सीडीओ साहब कब लेंगे संज्ञान, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कब होगी कार्रवाई? तेज तूफान वे बारिश जबरदस्त हो रही है जिसका आज बड़ा भारी नुकसान देखने को मिला है। जी हाँ, आपको बताते चले, बिजनौर में दो दर्दनाक मौत व दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बताते चलें, बढ़ापुर में एक मौलाना वे उनके साथी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं हल्दौर रोड पर एक मुमतियाज जो भट्टे पर काम करता है और पकौड़ी बेच के अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, उसकी मौत हो गई और साथ में उसकी पत्नी अनीसा थी जो गंभीर रूप से घायल हो गई। अगर बात करें बिजनौर में, लगातार तेज तूफान ने इतना बड़ा हादसा कर दिया है, लगातार करोड़ों रुपये का नुकसान बिजनौर में बताया जा रहा है। करोड़ों का नुकसान इस प्रकार है क्योंकि कई गाड़ियाँ पेड़ गिरने से ख़त्म हो चुकी और अगर बात की जाए तार टूटने की तो कम से कम 65 खंभे पूरे जिला बिजनौर में टूट गए, जिसमें लगभग नुकसान अगर यह बात की जाए तो 1 करोड़ रुपये का नुकसान लगभग बिजनौर में बताया जा रहा है। इस तूफान ने 2 मौत और 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया, तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस बात पर चुप्पी साधे हुए। नगर में मनरेगा योजना की गुणवत्ता की हल्की बारिश ने खोल दी पूरी पोल। मनरेगा योजना के तहत बन रहे खेल के मैदान की बाउंड्री बारिश के वजह से गिर गई। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि ये बाउंड्री लगभग विगत 2 महीने से बन रही थी, लेकिन इसकी गुणवत्ता किस तरह से थी कि ये बाउंड्री हल्की बारिश ने ही इसकी पोल खोल के रख दी है। हालांकि जिम्मेदारों से जब इस मामले को लेकर बात किया गया तो उन्होंने जाँच करवा कर कार्रवाई करने की बात कही है। पूरा मामला कुशीनगर जनपद के कप्तानगंज ब्लॉक के महुआ खुर्द गांव का है, जहां पर विगत 2 माह पूर्व से ही खेल मैदान की बाउंड्री बन रही थी और अभी परसों हुए बारिश में इस खेल के मैदान की बाउंड्री गई। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि ये बाउंड्री पूर्ण हो चुकी थी और इसके बाद ये बाउंड्री गिरना कहीं ना कहीं मनरेगा योजना के गुणवत्ता के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है। हालांकि जब इस मामले को लेकर ग्राम सभा के सचिव और टीए से बात किया गया तो मामले में हिला हवाली करते हुए नजर आए। वहीं जब इस मामले में खंड विकास अधिकारी कप्तानगंज से बात किया गया तो उन्होंने मामले का जांच करवाकर संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। इतना ही नहीं, कप्तानगंज ब्लॉक में इसके पहले भी मनरेगा योजना में धांधली देखने को मिली है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर बस केवल ठाए ठाए फीस ही रहा है। आगरा के सरेदी में महाराणा प्रताप विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने एक मीटिंग रखी। मीटिंग के दौरान उन्होंने कैलेंडर का भी विमोचन किया, जिसमें कार्ड राजस्थान और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ ये मेन पॉइंट माना जाता है सरेदी चौराहा या कृष्णा गार्डन में
महाराणा प्रताप की विचार गोष्ठी की जाएगी, जिसमें जो उत्तर प्रदेश में शिक्षा के माध्यम से या अन्य क्षेत्रों में जिन राजपूत छात्र छात्राओं ने जो मुकाम हासिल किया है या कहीं ना कहीं समाज का नाम गौरवान्वित किया है, उन लोगों को विचार गोष्ठी के दौरान मंच से सम्मानित किया जाएगा। चाहे वो राजस्थान में चुनाव की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे मध्य प्रदेश में, कहीं ना कहीं विचार गोष्ठी के माध्यम से एक राजपूत समाज को एक संदेश देना चाहते हैं और वहाँ सबको एकत्रित कर एक विचार रखे जाएंगे, जहाँ राजपूत समाज या मध्य प्रदेश की तरह उत्तर प्रदेश के सरहिंदी में भी एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। जैसे मध्य प्रदेश में जीवन सिंह शेरपुर ने मध्य प्रदेश की सरकार के खिलाफ हुंकार भरी थी, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी समाज को एकत्रित करने का काम कर रहे हैं। कानपुर की बिदनू थाना पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी, जहां 14 मई को अपने ही चाचा की हत्या करने वाले भतीजे और उसकी प्रेमिका को पुलिस ने असम से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला बिदनू थाना क्षेत्र के कुनिया इलाके का है, जहां पर एक बुजुर्ग की बीते 14 मई को उसके ही भतीजे और उसकी प्रेमिका ने मिलकर चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या कर दी थी। घटना की जानकारी जब ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं तब से लेकर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए कानपुर दक्षिण ADCP अंकिता शर्मा ने बताया कि पुलिस ने सर्विलांस की मदद से आरोपियों की लोकेशन दिल्ली निकाली, मगर जब पुलिस दिल्ली पहुंची तो उनकी लोकेशन असम दिखाने लगी, जिसके बाद पुलिस की टीम असम पहुंची और दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि अपने ही चाचा की हत्या करने वाले भतीजे और उसकी प्रेमिका ने प्रॉपर्टी के चक्कर में चाचा की हत्या की।